The treatment portion as suggested or directed by Dr. Radhesh Shyam Saini in this video can only be practiced by a registered veterinary practitioner. Non-registered practitioners are not supposed to do that, otherwise they will only be responsible for any kind of issue. कुत्ते के लिए जो इलाज है, कुत्ते में क्या करते हैं? ये जैसे वेन में लगाएंगे ना, तो वेन जो ऊपर वाला ये पैर है, आगे वाला, इसको छोड़ दो, नीचे वाला जो रहता ना, इसी की तरफ मीडियल साइड में, जो अंदर की तरफ जो साइड होती है उसको बोलते हैं मीडियल साइड, और बाहर की तरफ जो साइड होती है ना शरीर की, उसको बोलते हैं लेटरल। तो ये मीडियल साइड में जो नीचे की तरफ पैर है ना, ये ऐसे लेटाने के बाद नीचे की तरफ वाले पैर की मीडियल साइड में से या रेडियस अल्ना में ऐसे तिरछा देखना, इसी सिर की तरफ ऐसे वो वेन होती है, उसको बोलते हैं सिफिलिक वेन। ये जो आ रही है देखो, जरा सा इसको मैं सेविंग करूंगा तो थोड़ा और आराम से दिख जाएगी। तो कोई भी इंट्रामिनस इंजेक्शन लगाएं कुत्ते में, तो ये वाली वेन में अपने को लगाना था। ये रेडियस अल्ना, ये बोन रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना के बाद में मेटा कार्पल, मेटा कार्पल्स और फिर वो डिजिट्स फेलेंजिस जो होती हैं। तो यहाँ पर ये जो देखो आराम से जो निकल रही है वेन है, ये कौन सी वेन है? सिफिलिक वेन है। तो कुत्ते में इंट्रावीनस आगे वाले पैर में, और यहाँ देखिए पीछे वाले पैर में जो ऊपर की तरफ पैर है, पीछे वाले पैर में ऊपर की तरफ, आगे वाले पैर में ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पैर में ऐसे दिखेगा यहाँ। ये क्या है? ये कौन सी है? मेटाटार्सल। तो ये इसके ऊपर क्या होता है? टीबिया। ठीक है, तो इस टीबिया के ऐसे इधर पीछे की तरफ पूंछ की तरफ ऐसे करते हुए क्रॉस में जाएंगे तो ये वाली जो वेन दिख रही है, ये वेन जो उभरी हुई दिख रही है, नजदीक से दिखाओ, ये रिकरेंट टार्सल वेन है। अगर पीछे वाले पैर में लगाए तो ये वाली में लगाना है। देखो दिख रही उभरी हुई ये वाली वेन, ठीक है, और आगे वाले में लगाए तो देखो नीचे वाले पैर में, यहाँ इसमें ये वेन, ये सिफेलिक वेन है। और दोस्तों आराम से इसे लगाते हैं, इस तरह से ये रहना चाहिए अपना ऊपर की तरफ, और ये वाला हिस्सा यहाँ इसे पकड़ना है। आगे ये हाथ कहीं नहीं लगाना, शरीर के अंदर जाने वाले हिस्से को कभी भी निर्लोभ हाथ नहीं लगाना, यहाँ ये लास्ट। इस तरह से इसको वेन को फिक्स करके वेन में आ रहा ये आया, छोड़ दीजिए आगे से। तो इस तरह से ये सिफिलिक वेन में ये चला गया। तो इस तरह से इसको 2.5 ml तो रानीटिडिन हाइड्रोक्लोराइड, रानीटिडिन, सिमेटिडिन और फेमोटिडिन, ये सब होते हैं H2 ब्लॉकर्स। जो आमाशय है उस आमाशय में एसिड का जो सिक्रीशंस है, उस एसिड के सिक्रीशंस को दूर करती है रानीटिडिन। और जो पेरिनॉर्म जो हमने लगाया 1.5 ml इसी के साथ मिलाया, जिसमें मेटाक्लोप्रामाइड आता है, वो एंटी डोपामिनर्जिक है। मेटाक्लोप्रामाइड एंटी डोपामिनर्जिक है। जो रिफ्लेक्स होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, वोमिटिंग रिफ्लेक्स है, वोमिटिंग नहीं आती, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग पावर होती है, पेट को साफ करती है ना। और जी मिचलाने से, जी मिचलना हो, उल्टी हो, इस तरह से उन चीज़ों में ये पेरिनॉर्म या मेटाक्लोप्रामाइड लगा, दोनों को मिला दिया और फिर ये लगा रहे हैं। आइए तो ये देखिए सिफिलिक वेन में फिर से हम लगा रहे हैं। शेरू बोलो, कुछ नहीं होगा, अभी ठीक हो जाओगे आप। छोड़ दो। अरे अरे क्या हो गया? ये लगा दिया, लो 2 ml टोलफाइन लियो। तो ये हम फ्लोनिक्सिन मेग्लोमाइन लगा रहे हैं क्योंकि बुखार ना पाता, तो बुखार आया था 104.5, जबकि 103.5 तक अधिकतम आता है कुत्ते में, 101 से 103 जनरली रहता है। 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों, इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार, मौज करो।